गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है और ऐसे सीजन में हमें अच्छा लगता है ठंडा ठंडा कूल कूल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ किटकैट मिल्क शेक की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किटकैट मिल्क शेक कैसे बनाया जाता है। किटकैट मिल्क शेक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया एक मिक्सी जार और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ किटकैट। मैंने यहाँ पर ये पूरा बल्क लिया है किटकैट का, इसे हम जार में ट्रांसफर कर देंगे और इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून शुगर। आप चीनी की मात्रा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें और इसमें ऐड कर देंगे कुछ आइस क्यूब और डाल देंगे 1 गिलास ठंडा मिल्क। और इसे बंद करके हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब मैंने ले लिया 1 गिलास। मैं यहाँ ले रही हूँ चॉकलेट सिरप, इससे हम ग्लास के ऊपर डिजाइन बना देंगे। और इसके अंदर डाल देंगे हमारा मिल्क शेक। मैं यहाँ ले रही हूँ वनीला फ्लेवर के 2 आइसक्रीम स्कूप। और हमारी किटकैट, और इसे डेकोरेट कर देंगे चॉकलेट सिरप से, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। तो देखिए हमारा किटकैट मिल्क शेक बनके तैयार है। कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, इसे बच्चे बड़े दोनों ही लाइक करते हैं और इसकी रेसिपी बहुत ही ईजी है। आप भी इसी तरह से किटकैट मिल्क शेक बनाइए। और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।